तो सर यहाँ के ओनर हैं और उनका नाम है इनासिनो फर्नांडिस। तो उनसे ही बात करते हैं पहले और पूछते हैं सारी हिस्ट्री जो भी रहेगा, लाइक इधर उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें। तो सर से पूछते हैं एक बार, सर स्टार्ट कब किया आपने? एक्चुअली मैं आउट ऑफ इंडिया था, सो 25 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है और मैं 6-5 कुकिंग एक्सपीरियंस। सो पहला मेरा वाइफ ने स्टार्ट किया 88 में, सो मैं 99 में घर में आ गया। और ये पूरा बिजनेस है ना मेरा बेटी के नाम पे, जर्सी। तो जब भी मैं आया मैंने खुद स्टार्ट किया, मतलब उसको टेक ओवर कर लिया। हाँ, टेक ओवर किया और मैंने ग्रोअप किया। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम इधर का प्रॉपर्टी का बाकी स्टे वगैरह का वीडियो भी बनाने वाले हैं, तो आज यहाँ का स्टे का वीडियो होने वाला है। स्टे भी दिखाऊंगी कैसा है, क्लीन है, कैसा है, क्या क्या है, जैसे हट्स हैं, कॉटेजेस हैं, क्या है, कैसा है, सारा कुछ, क्योंकि अभी मैंने भी नहीं देखा है, तो आपको दिखाऊंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना मुझे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये हम खड़े हैं बीच पे और ये देखो ये बीच है और ये रहा यहाँ से रास्ता, मतलब 10 स्टेप दूर है आपसे बीच सिर्फ। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं और ये पहले इनका रेस्टोरेंट पड़ता है, इस तरफ बीच हट्स पड़ती हैं और 2 बीच हट्स इस तरफ है। तो यहाँ से चलते हैं आगे। तो अभी हम खड़े हैं ये बीच रोड की तरफ और यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे इनका पार्किंग एरिया है काफ़ी बड़ा, ये हम पार्किंग एरिया में ही खड़े हैं। और इस तरफ है इनका रिसेप्शन, ये डर्सी कॉटेजेस का। और इनके पास ना बीच वाले कॉटेजेस तो है ही हैं, साथ में अगर आपको बैक में चाहिए जैसे थोड़ा इकोनॉमिकल चाहिए रूम तो वो भी मिल जाएगा, इनके पास वो भी हैं। और इधर आना कैसे है वो बताती हूँ। अगर आप आ रहे हो एयरपोर्ट से तो एयरपोर्ट से आप टैक्सी ले सकते हो अगोंडा की। अगोंडा में जैसे ही आप आओगे चर्च पे, चर्च से आपने लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट लेते ही हार्डली 10 सेकेंड में आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, ये आपको दिख जाएगा रोड के राइट साइड पर। और ये हैं राज, ये भी आपको यहीं मिलेंगे, ये बहुत सालों से यहाँ पे हैं, लाइक स्टार्टिंग से, बचपन से यहाँ पे हैं। और ये हैं ड्यूगन, ड्यूगन फर्नांडिस, तो ये भी आपको इधर मिल भी सकते हैं, मतलब इनका ऐसा रहता है वो कभी गायब रहते हैं इधर से तो कभी इधर मिलते हैं, तो मर्चेंट गाय, हाँ ही इज मर्चेंट गाय, तो मिलेंगे भी नहीं भी मिल सकते। तो यहाँ से चलते हैं रिसेप्शन की तरफ और ये टैक्सी खड़ी है उनकी, मतलब टैक्सी सर्विस भी आपको यहाँ पे मिलेगी, एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप जो भी आपको रहेगा वो सारा मिलेगा। तो पहले चलते हैं रिसेप्शन में, ये रिसेप्शन है इनका डर्सी रिसेप्शन, और यहाँ से चलते हैं अंदर और यहाँ आपको मिलेंगे सर सर तो मिलेंगे और अर्जुन जी, ये यहाँ के मैनेजर हैं और 20 सालों से आप यहाँ पे हो। हाँ, मतलब यहाँ पे ना आपको ऐसा मिलेगा, फैमिली वाला एटमॉस्फेयर मिलेगा, फैमिली की तरह आपको ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऐसा रन बाय अ होल फैमिली, मतलब सारे लोग मिलके चलाते हैं, यहाँ का स्टाफ ऐसा है कि जो जो 20-20 सालों से लोग यहीं पे ही काम कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। और अर्जुन जी आपको मिलेंगे यहाँ पे, अगर जैसे कोई भी आपको इधर आके बुकिंग करनी है, कुछ भी करनी है, बाकी यहाँ के नंबर्स वगैरह जो भी रहेंगे, यहाँ का ईमेल एड्रेस या जो भी जितने भी कॉन्टैक्ट जिधर जिधर से आप कर सकते हो, मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और स्क्रीन पे भी नंबर्स वगैरह आपको दे दूंगी मैं। और सर से तो आप मिल ही चुके हो पहले, तो उन्होंने सारा कुछ बताया कि कब से प्रॉपर्टी उन्होंने शुरू की थी और कैसे रन कर रहे हैं। तो रिसेप्शन के बाद अभी चलते हैं अंदर और अंदर का भी मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों तरफ इनके कॉटेजेस बने हुए हैं और क्या होता है ये सारी जो प्रॉपर्टी है ना वो अंडर CCTV सर्विलेंस है, तो मतलब आपको सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है, जैसे कुछ भी दिक्कत नहीं है उस तरीके की भी। और यहाँ से अंदर चलते हैं हम, इस तरफ मेरे पीछे आप कॉटेजेस देख रहे हो, इस तरफ भी कॉटेजेस हैं, वो भी मैं फ्रंट से दिखाऊंगी। और ऊपर ना सारे नारियल के पेड़ है, तो मतलब वो शेड रहता है ऊपर से एक, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी लग रही है।
यहाँ से चलते हैं अंदर और इस तरफ दोनों तरफ कॉटेजेस हैं और दो दो हैं जो बीच फ्रंट की तरफ हैं, दो इस तरफ हैं, दो इस तरफ हैं। और एक ना बीच हट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर से कैसा दिखता है और लाइक क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको अंदर मिलती हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर और ये मैं आपको एक कॉटेज दिखाती हूँ और ये कॉटेज के साइड में ये बीच शेक है और सामने ये सी है, पूरा मतलब हार्डली 10 स्टेप भी नहीं है। तो चलो अंदर चलते हैं कॉटेज के पहले। और ये थोड़ा ना ऊपर उठ के बना हुआ है, यहाँ से अंदर एंटर करते हैं। और वाह, एसी के साथ है, आपको ये मिलता है एसी फैन दोनों ऑप्शन। हाँ, दोनों ऑप्शन है। साथ में आपको मैट भी, नेट नेट नाइट में आपको दिक्कत होती है। हाँ, ये तो मॉस्किटो नेट छोटा। हाँ, आपको लगता है कि हाँ मॉस्किटो वगैरह का प्रॉब्लम। हाँ, है तो नेट मिलता है, यूज कर सकते हो। हाँ, तो इसको हटा भी सकते हो। हाँ, मतलब वो ना ऐसा है कि लटका हुआ है, उसको हटा भी सकते हो, वो आपको बॉदर नहीं करेगा। और इस तरफ आपको मिल जाता है कबर्ड, वो भी मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको एक बार ये। हाँ, बिकॉज इसका प्लस पॉइंट क्या है, अच्छा लॉकर भी है उसमें साथ में। ओके, हाँ लॉकर भी मिलता है। आप वॉलेट वगैरह कुछ भी अपना कीमती सामान यहाँ रख के लॉक लगा के जा सकते हो। पर्सनल लॉक अपना इसमें आप लगा सकते हो। इसमें प्लस पॉइंट क्या है, यूजुअली जैसे ज्यादातर जो बीच कॉटेजेस होते हैं ना, तो उनमें ऐसा बड़ा कवर्ड नहीं मिलता आपको सामान रखने के लिए, ऐसा छोटा सा मिलता है। यहाँ पे काफी बड़ा है पूरा। और इस तरफ ये एक छोटा टेबल मिलता है आपको। तो यहाँ से अभी चलते हैं वॉशरूम की तरफ, वॉशरूम आपको दिखाती हूँ। और अगेन काफ़ी क्लीन वॉशरूम है, जैसा मैंने उधर दिखाया था ऑलमोस्ट वैसा ही है, एकदम साफ़ सुथरा है और किधर भी आपको गंदगी वगैरह नहीं मिलेगी। वॉशरूम का मेन यही है कि वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी आपको कंफर्टेबल रखता है। तो इसमें ना एक चीज़ प्लस पॉइंट और ये भी है, जैसे अगर आप बड़ी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, जैसे बच्चे आप चाह रहे हो, जैसे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि जैसे बच्चों को दूसरे रूम में रुकाना और वो ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है तो आपको सिक्योर फील नहीं होता। तो इसमें ऐसा है, ये वाला रूम और ये वाला रूम एक ही उस पर आते हैं लेवल पे, तो इसको साथ में मतलब पूरा बुक कर सकते हो आप, वो कन्वीनियंट रहेगा आपको, बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। या जैसे फैमिली मेम्बर्स आप कई सारे हो तो इकट्ठा आप चाहते हो कि एक जगह लाइक आपको मिले और एक ही जगह पे आप रुको, तो ये उस हिसाब से बहुत सही है। मतलब अगल बगल के रूम ही आप बुक कर लो और पूरा ये इसका ना ये पूरा एरिया एक ही है, कॉमन एरिया एक है, तो आपको कन्वीनियंट रहेगा ये बड़ी फैमिली के साथ। ये डर्सी कॉटेजेस के साइड पे ये कॉटेजेस हैं इस तरफ और शॉप है, तो यहाँ पे आप नेसेसरी चीज़ें जैसे आपको शॉर्ट्स वगैरह या कुछ चप्पल स्लीपर्स जो भी खरीदने हैं, जैसे बीच के लिए आप जो नहीं लेके आते हो, वो इधर आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिलेंगे। वो अंदर से एक बार शॉप भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो इधर सारी नेसेसरी चीज़ें भी मिल जाएंगी, कुछ एसेसरीज भी आपको मिलेगी और मास्क वगैरह, बाकी जो बीच वेयर्स है वो भी आपको मिलेंगे, सनग्लासेस भी मिल जाएंगे, सारी नेसेसरी चीज़ें हैं और स्लीपर्स वगैरह सब मिल जाएगा आपको। और अगर जैसे बच्चों के लिए आपको वो ट्यूब चाहिए होती है ना, वो भी मिल जाएगी। तो ये शॉप में ना आपको मैम मिलेंगे और आप बता देना कि आप वीडियो देख के आए हो, तो वो प्राइस वैसे ही उनके बहुत अच्छे हैं, बाकी वो जो भी डिस्काउंट होगा वो कर देंगे आपको और सारी नेसेसरी चीज़ें आपको इधर मिल जाएंगी। और इधर की साइड है इनके कॉटेजेस और इसी के सामने बिल्कुल इनका जो है रूम वगैरह भी है जो रेंट पे आप ले सकते हो। तो अभी पहले रूम भी दिखा देते हैं आपको।
अगर आपको चाहिए कि लाइक जैसे थोड़ा इकोनॉमिकल मिल जाए रूम, तो इधर इनके रूम्स भी हैं और डबल बेड के साथ है। सपोज आप फैमिली के साथ भी इसको बुक कर सकते हो, जैसे बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बच्चों के लिए ये बेड हो जाएगा, आपके लिए ये हो जाएगा। और एकदम साफ़ सुथरा, ये भी नेट के साथ आता है, फ़ैन एसी दोनों चीज़ें आती हैं, और एक छोटा फ्रिज भी आपको मिलता है ये। तो इसमें फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, मतलब अगर आपको ऐसा नहीं है कि बीच पे ही रुकना है तो आप इधर ले सकते हो। मेरे को ये भी बहुत पसंद आया, और बड़ा कबर्ड भी मिलता है। और इसका भी वॉशरूम की तरफ चल के देखते हैं एक बार, इसकी लाइट ऑन नहीं है। हाँ, अब ये देखो, ये भी एकदम साफ सुथरा और एकदम क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरा, शार वगैरह सारा कुछ है इसमें भी, सब कुछ मिलेगा आपको। और ये कबर्ड भी काफ़ी बड़ा है, ये नीचे रैक है, ये लॉकर है, पर्सनल लॉकर आपका, और इधर ऊपर भी है, मतलब पूरा फैमिली के लिए ही है ये, काफ़ी बड़ा। और इनके पास ना इधर सिंगल रूम भी है, अगर आपको सिंगल लेना है, जैसे ये तो डबल था, आप बड़ी फैमिली के साथ ट्रैवल करो तो ये हो गया, सिंगल रूम भी है सिंगल अगर आप लेना चाहो तो। मतलब हर कैटेगरी के रूम्स वगैरह आपको इनके पास मिल जाएंगे, जैसा भी आप लेना चाहते हो। इनके पास ना टेरेस भी है, तो अगर जैसे आप ग्रुप ऑफ पीपल, आप कई सारे लोग जैसे साथ में ट्रैवल कर रहे हो और हैंग आउट करना चाहते हो रात में देर तक बैठ के, तो इधर आके आराम से आप बैठ के कर सकते हो। और दूसरा जैसे योगा वगैरह, कई लोगों को जैसे चाहिए होता है कि नहीं योगा वगैरह करना है, मॉर्निंग में ओपन स्पेस चाहिए, तो उसके लिए भी टेरेस यूज़ कर सकते हो आप। तो अगर इधर आप आ रहे हो ना, और आपको जैसे वर्क पर्पस से आ रहे हो और आपको वाईफाई का चाहिए इधर, जैसे बिकॉज इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, तो ये 5G नेट वाईफाई भी आपको देते हैं कि आपका वर्क सफ़र ना करे, ये सारी चीज़ें। और वैसे नॉर्मल वाईफाई भी जैसे मैंने इधर का ट्राई किया ना, वो भी काफ़ी फास्ट चलता है, बट स्पेशली 5G देते हैं बिकॉज कि आपका वर्क सफ़र ना करे। सेपरेट देते हैं? हाँ, सेपरेट वाईफाई दे देते हैं उसके लिए। और दोनों जगह पे ना, जैसे इधर भी आप कॉटेज, मतलब जो बीच वाले कॉटेजेस हैं और जो पीछे वाले हैं, दोनों जगह सेपरेट वाईफाई। तो स्टे के तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, और मुझे सारे ऑप्शन ही अच्छे लगे, जैसे सब कुछ है इनके पास, बिल्कुल सस्ती रेंज से लेके अच्छी रेंज तक है, और सारे ऑप्शंस भी हैं। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो, आप कपल्स ट्रैवल कर रहे हो, सारे ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे। तो खैर, मुझे चीज़ें अच्छी लगी, और आपको भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, मुझे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।